अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात विद एस के न्याजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मुअज़्ज़म अली। नाज़रीन, मुल्क में जारी समाजी और मुआशी मुश्किलात और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर तज़ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी सरदार खान न्याजी साहब। अस्सलामु। अच्छा नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की सच्ची बात की तरफ। स्पीकर कौमी असेंबली ने पार्लियामेंट हाउस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का नोटिस ले लिया। अयाज सादिक ने प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए आईजी इस्लामाबाद को तमाम गिरफ्तार अराकीन को पार्लियामेंट में पेश करने का हुक्म दे दिया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असेंबली का इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर ने गुज़श्ता रोज के वाक़े पर कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा कि पार्लियामेंट के वाक़े पर स्टैंड लेना पड़ेगा, अगर कोई मुलविस हुआ तो FIR कटवाएंगे। सरदार अयाज सादिक का कहना था कि कल रात जो पार्लियामेंट पर हुआ उसे तीसरा हमला समझता हूँ, इस पर खामोश नहीं रहा जा सकता। कल के वाके की तमाम फुटेज तलब की है, इस मामले को हम संजीदगी से देखेंगे, हकायक और फुटेज देखने के बाद एक्शन लिया जाएगा। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। बाद हज़ार स्पीकर कौमी असेंबली ने तमाम सियासी जमातों की क्यादत को चैम्बर में तलब कर लिया, जिस पर अली मोहम्मद खान, आजम नजीब तारण, नवीद कमर, महमूद खान अचकज़ई स्पीकर के चैम्बर में पहुंचकर मीटिंग में गुज़श्ता रात पेश आने वाले वाक़े पर मुशावरत की गई। स्पीकर ने कौमी असेंबली के तमाम दाखिलियों खारजी रास्तों की CCTV फुटेज मंगवा ली, जबकि अली मोहम्मद खान ने भी गुज़श्ता रोज के वाक़े की तमाम फुटेजेस स्पीकर को फराहम कर दी। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन को फौरी तलब कर लिया। कबल अजी कौमी असेंबली इजलास में PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी हुई। अली मोहम्मद खान ने कहा कल पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था, जिसे सियाबाद के तौर पर याद रखा जाएगा। जी नाज़रीन, सच्ची बात आपने सुनी, अली मोहम्मद खान साहब ने आज बड़ी एग्रेसिव किस्म की तकरीर की कौमी असम्बली के फ्लोर पर, जिस पर बाद में तनकीद भी हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से, और ये कहा कि ये जो ड्रामेबाजी हो रही है, ये जो चीखना चिल्लाना हो रहा है, अगर ये आप लोग पहले मुल्क तोड़ने की बात ना करते और इस मकाम तक मामलात को ना लेके आते तो शायद ये मामलात अब तक यहाँ तक ना पहुँचते। अली मोहम्मद खान साहब ने जो कहा कि ये पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई है, गुज़श्ता रात जो मामलात पेश आए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जलसा करने के बाद, जलसे के अंदर जो NOC इनको गिवन था, जिन शराइत पर इन्होंने जलसा करना था, उनकी खिलाफ वर्जी पर जो कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ आने वाले दिनों में जो कुछ होगा, उस पर काफ़ी आज कौमी असम्बली में हमने एक एग्रेसिव इन्वायरमेंट देखा है। लेकिन दूसरी जानब सेनेट के अंदर भी इजलास जारी था और सेनेट में भी काफ़ी हमने गर्मा गर्मी देखी मामलात में। जो सेनेटर फैसल वाडा साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मजम्मत के तकाजे को पॉइंट आउट करते हुए ये बात की कि आप हमें कहते हैं गुज़श्ता रात पार्लियामेंट के अंदर से जो अरेस्ट हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस पर मजम्मत करें, आपने मुल्क तोड़ने की बात की। अली अमीन गंडापुर साहब को पॉइंट आउट किया, अली अमीन गंडापुर साहब के लिए उन्होंने काफ़ी एग्रेसिव अल्फाज भी इस्तेमाल किए और कहा कि आप अटक का पुल पार करके दिखाएं, आपके जो मुख्तलिफ उन्होंने इसको उनको पॉइंट आउट किया मुख्तलिफ अंदाज में, उसको हम यहाँ पर नहीं दोहराते। लेकिन उसके बाद कुछ माहौल जो है वो डिफरेंट सा क्रिएट हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जब रिएक्शन आया तो अली फैसल वाडा साहब ने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सेनेटर है फलकनाथ साहिबा, उनकी रुकनियत मुअत्तल करने के हवाले से यूसुफ रजा गिलानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं उनके आगे तकाजा किया और वो फिर एक्सेप्ट भी हो गया बाद में। फैसल वाडा साहब ने जब ये किया तकाजा, इसको मुलाहिजा कीजिए क्या बात की, फिर आगे बढ़ते हैं। She should be thrown out, suspended. That's, I've explained the word brothel. जी नाज़रीन, इन तमाम तर बातों के बाद तहरीक इंसाफ का रिएक्शन जो फैसल वाडा साहब से भी अब्जॉर्ब नहीं हो पाया और उन्होंने ये डिमांड की कि रुकनियत मुअत्तल की जाए, स्टैंड लिया जाए। चेयरमैन सेनेट को भी कहा कि ये आप आज अगर स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर हम गाली का जवाब या बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से ही देंगे। बहरहाल फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, मुलाहिजा कीजिए। I hereby suspend Senator Faraknaz for 42 days, and the House is adjourned to meet again on Thursday, the 12th September 2024 at 3 PM. जी नाज़रीन, कौमी असेंबली के फ्लोर पर हमें ये तमाम तर मामलात आज देखने को मिले हैं, इन पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया, सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त का जिक्र किया। जो मुज़ाकरात के हवाले से उनका कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, बहरहाल आज उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात करने के तमाम दरवाजे बंद कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ की तरफ से अगले जलसे की जो कॉल दी गई है दैट इज़ 21 सितंबर, और उन्होंने कहा कि लाहौर में जलसा करेंगे। बानी PTI का भी आज अली अमीन गंडापुर की तकरीर को सेकंड करना
सामने आया और ये कहा बानी पीटीआई ने कि एनओसी मिले न मिले, इजाजत मिले न मिले, लाहौर में जलसा करेंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर के साथ खड़ा हूँ। फिर गुज़श्ता रोज़ हमने जो देखा बैरिस्टर घोर साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब की जो इंटेंस बातें थी और जो शिद्दत आमेज़ बातें थी सहाफ़ियों से मुतालिक या दीगर मामलात पर, उस पर बैरिस्टर घोर साहब थोड़े से लीनियंट नजर आए हमें और उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, गैर मशरूत माफ़ी उन्होंने मांगी। लेकिन बानी पीटीआई ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो लोग माफ़ी मांग रहे हैं वो बुजदिल हैं, हम कौम के जज्बात की अकासी करते हैं। मैं अली अमीन गंडापुर की तकरीर उनके अल्फाज के साथ खड़ा हूं। उसके बाद हमने देखा कि बैरिस्टर घोष साहब आज जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे उनकी रिहाई के बाद, बैरिस्टर घोष साहब को रिहा किया गया, बहरहाल उनकी रिहाई के बाद बैरिस्टर घोष साहब ने जो बात की वो मुलाहिजा कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, हमने कोई माफी नहीं मांगी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक जो जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे वो हमने कहा है कि अगर किसी की दिलाजारी हुई तो उस पर हमारी माजरत थी, जर्नलिस्ट से रिलेटेड। इन तमाम तर मामलात पर प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस साहब। जी जी जस्टिस साहब की रियत है। बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक। आप क्या देखते हैं, क्या हालात तो मुल्क के देख रहे हैं, जलसे भी देख रहे हैं, जलूस भी देख रहे हैं, अदालतों के मामलात भी देख रहे हैं कि कभी कहते हैं एक्सटेंशन लेनी है, कभी कहते हैं एक्सटेंशन मांगेंगे नहीं, और कभी लो एक्सटेंशन लेंगे भी नहीं, और कभी क्या, तो और आज भी वो जजों की तादाद बढ़ाने का भी एजेंडा असम्बली में पेश हुआ। तो इसको सारे हालात को कैसे देखते हैं, क्या होना चाहिए, क्योंकि मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखिए, जहाँ तक के जजों की तादाद बढ़ाने की बात है वो तो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ जजेस की कमी है और इसी वजह से आप देखते हैं कि इतने केसेस जो है इस्तेमाल में पड़े हुए रहते हैं हर एक कोर्ट में। तो अभी 17 से सुनाए 23 बनाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 50,000 केसेस जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक के ये जजेस की मियाद बढ़ाने की बात है, जो कि सोच रहे हैं जिसके लिए कि अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मेरे ख्याल में बड़ी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अगर आप जजेस की मियाद बढ़ाते हैं, अगर एज बढ़ाते हैं, तो वो कोर्ट जो आम तौर से बार है उसको पसंद नहीं होगी कि जजेस की मियाद बढ़ाई जाए। और दूसरी ये कि जजेस 65 में वैसे ही रिटायर होते हैं, अगर आप बढ़ा दें उनको 68-69 कर दें, तो जितना आदमी बूढ़ा होता है तो उतनी उसकी सकत जो है ज़हनी सकत कम हो जाती है, और ये बेहतर नहीं होगा। तो ये इससे तो मैं अग्री नहीं करता, हालांकि उसके लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो शायद अभी तक तो उनके पास नहीं है उतने नंबर। अब सुना है कि शायद वो कर रहे हैं, हो जाए, लेकिन ये इकदाम होगा। और जहाँ तक कि हमारे चीफ जस्टिस का ताल्लुक है, उन्होंने तो ऑलरेडी कह दिया है कि वो एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने कह दिया है एक्सटेंशन, अपनी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, उन्होंने मेरा ख्याल है कहा है कि एक्सटेंशन मैं नहीं मांगूंगा, ये नहीं कहा कि लूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उन्होंने कहा है कि मैं एक्सटेंशन के फेवर में नहीं हूँ, मैं ना लूंगा एक्सटेंशन, साफ कह दिया। फिर तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात कोई, क्योंकि जिस तरह आप फरमा रहे हैं ना, देखें उम्र का भी तकाजा होता है ना, अब उसके बाद 65 साल के बाद 2 घंटे बाद चीज भूल जाता है बंदा। है जी, बिल्कुल। देखिए, 65 जो है काफ़ी उम्र होती है, और अगर 65 के बाद अगर आप उसको 70 कर दें, तो नेचुरली उसकी जो ज़हनी जो तौर तरीका है और उसका सोचने की ताकत और सब कुछ जो है वो उस पर कमी हो जाती है। तो सब जानते हैं ये उम्र के लिहाज से उम्र के तकाजे होते हैं, तो 65 से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, और ये गलत फैसला होगा अगर वो करेंगे। तो आप एक मौजूदा हालात पोलिटिकल क्या देखते हैं? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है जिस तरह से कि हमारे सियासी हालात जो चल रहे हैं, ये पार्टीज जिस तरह बिहेव कर रही हैं, बच्चों की तरह बिहेव कर रही हैं, और ख़ास तौर से जो चीफ मिनिस्टर हैं फ्रंटियर के, उनका तौर तरीका जो है बिल्कुल मुनफरद है और सही नहीं है। और इन सब चीज़ों को सोच, अब क्योंकि आप जमहूरियत में हैं और समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपको चाहिए कि अगर आप अपोजिशन में हैं तो आप अपोजिशन के मेम्बर रहें और क्रिटिसाइज करें कानूनी तौर पर,
गाली गलौज की जरूरत नहीं है, शोर शराबे की जरूरत नहीं है। अब हर जगह पार्लियामेंट में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इसके मतलब ये तो नहीं कि आप गाली गलौज में आ जाएं। जो आजकल हो रहा है वो गाली गलौज हो रहा है, और इसकी वजह से काफ़ी नफरतें बढ़ रही हैं, और उसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी को नुकसान पहुँचेगा, और बिला वजह हम मार्शल लॉ की तरफ पहुँचेंगे। पहले डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी तो खैर हमारे मुल्क में कभी रही नहीं है। जो ये तो कहना कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी रही है, मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में आज तक कभी डेमोक्रेसी नहीं रही है। लेकिन बार सूरत एक डेमोक्रेसी की एक किस्म की शक्ल रही है, और कुछ हद तक, और अभी चल रही थी, और अब चाहिए हमको कि कुछ हम अपने आप को बदलें और डेमोक्रेसी मुल्क में लेके आएँ, ताकि जो अपोजिशन में है वो अपोजिशन का किरदार अदा करे, जो हुकूमत में है वो हुकूमत का किरदार अदा करे। बिला वजह एक दूसरे को गाली गलौज करना, शोर मचाना और पकड़ धकड़ करना, ये मेरे ख्याल में गलत नहीं है। इस दफ़ा जो हुआ है कल, वो मेरे ख्याल में दोनों की तरफ से ज्यादती हुई है, अपोजिशन की तरफ से ज्यादती हुई है और गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादती हुई है। बिला वजह 3 घंटे के लिए कहना कि आप जलसा करेंगे, ये कैसे पॉसिबल है? कभी कोई जलसा हमारे मुल्क में 3 घंटे में ख़त्म हो ही नहीं सकता। वैसे भी लोग को अगर आप टाइम दें लोगों को 1-2 बजे का, तो 4 बजे पहुंचते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये मेरे ख्याल में दोनों तरफ से ये गलतियां हुई हैं, और इस चीज़ का अदाला होना चाहिए। जस्टिस साहब जो रात को मामलात हमने देखे हैं, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, और पार्लियामेंट के प्रेमिसिस के अंदर कहा यह जा रहा है कि पार्लियामेंट के अहाते से गेट से बाहर थे, लेकिन जो कुछ हुआ फिर आज स्पीकर कौमी असम्बली ने भी उसको कहा कि उस पर हम एक्शन ज़रूर लेंगे, इन मामलात को आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा एक अनहोना सा इवेंट हुआ है, गुज़श्ता रात हमने देखा कौमी असम्बली की डिसग्रेस का मामला भी है किसी हद तक, तो जुडिशरी के अंदर कहाँ ये फिट इन होता है, अदालती मामला इसके साथ कैसे रिलेट होते हैं? देखिए, जो पार्लियामेंट के अंदर जो कल हुआ था, और जो इस तरह से बातचीत लोगों ने की थी, वो एक बिल्कुल गैर मुनासिब था, और सिविलाइज मुल्कों में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आजकल टेम्पर्स बहुत हाई हुए हुए हैं, क्योंकि PTI को ऐसा ये समझती है कि उनसे उनके साथ ज्यादती हो गई है, और ज्यादती के मतलब ये नहीं कि आप फिर शोर शराबा शुरू करें और लड़ाई झगड़े करें। ज्यादती के मतलब ये होता है कि फिर आप उसको डील करें प्रॉपरली, करेक्टली, आप डिबेट करें पार्लियामेंट में और लोगों को समझाएं कि आपने गलत काम किया है, बजाय इसके कि गाली गलौज होना चाहिए जिस तरह से आजकल हो रहा है। सही। तो जस्टिस साहब, आप मकसद है कि इसमें क्या क्या हमारे पास अभी हल क्या है इसका? हल तो सिर्फ यही है कि ये पॉलिटिकल लोग आपस में बैठते को फैसला करते, क्योंकि देखें इसराइल का इशू देखें, गज़ा का इशू देखें, किसी बड़े इशू पे ये इकट्ठे होते, लेकिन इकट्ठे होने का तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता। आज इमरान खान ने ये भी कह दिया है कि जी हम ना पॉलिटिकल लोगों से मीटिंग करना चाहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट से। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सब समझते हैं कि हुकूमत में जो भी हो, लेकिन इनके पीछे कोई लोग हैं जो हुकूमत कराते हैं इनसे, और वो मतलब कि वो समझते हैं कि वो अदारे जो हैं वो कराते हैं। और इमरान खान साहब भी हमेशा से अदारों के खिलाफ थे, और अब वो अदारों से बात करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे हर एक सियासतदान चाहता है कि उसके साथ अदारे उसके साथ हों, चाहे अपोजिशन वाले हों चाहे गवर्नमेंट वाले हों। तो अब ये चीज़ हमारे जहन से निकलेगी, तब जा कर के हमें सही मानों में आज़ादी मिलेगी, और जब तक हम खुद इस जहन के कैदी होंगे तो कभी हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। और हम समझते हैं कि फौज या दूसरे अदारे हमारी हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं, वो इस वास्ते कंट्रोल करते हैं क्योंकि हमारे सियासतदान उन पर डिपेंड करते हैं। अगर उन पर डिपेंड करना बंद कर दें तो मामला ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक कि हमारे सियासतदान आपस में बैठ करके पार्लियामेंट में प्रॉपर तरीके से डिबेट नहीं करेंगे सियासतदानों के तौर से और सही तरीके से, तब तक ये उनके हालात सही नहीं। ये तो सहारा मांगते हैं ना हमारे पॉलिटिकल लोग, तो सहारा मांगते हैं, फिर मुल्क की खातिर एस्टेब्लिशमेंट को ही सहारा देना पड़ता है। जी बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम है हमारे साथ। वो दूसरों को तो क्रिटिसाइज करते हैं कि आप फौज के गोद में बैठे हैं, और खुद चाहते हैं कि वो उनकी गोद में जाके बैठ जाए। यही तो हमारा प्रॉब्लम रहा है शुरू से, जिसकी वजह से फौज को इतनी शय मिली है कि वो इस पोजिशन पर है जहाँ के वो कंट्रोल कर सकती है। अगर इस चीज़ को ख़त्म करें तो आहिस्ता आहिस्ता फौज खुद ही पीछे बैकग्राउंड में चली जाएगी। लेकिन ये इतनी समझ और अकल हमारे सियासतदानों में नहीं है, बदकिस्मती। जैसे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो अभी पहले मैंने जिक्र किया था गुज़श्ता रात के वाक़े के हवाले से, जैसे सुमोटो का मामला भी है और
जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब हैं, उन्होंने ये कहा था कि पार्लियामेंट इज़ सुपीरियर देन सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कल जो पार्लियामेंट के साथ हमने मजाक देखा, अगर उसको मजाक कहें, या लीगली वो जस्टिफाई नहीं होता, जहाँ तक अभी हम मनाजिर देख रहे हैं, स्पीकर साहब ने जैसे उसको सेकंड किया, तो वी कैन गो विद दैट कि शायद वो लीगली जस्टिफिएबल नहीं है। तो कल जो पार्लियामेंट के साथ हुआ, वो फिर काजी फजीसा साहब अब क्या मामलात को कैसे फिर उनसे उस बात की तरफ जाया जाए कि पार्लियामेंट का भी वही लेवल है, पार्लियामेंट की वही क्रेडिबिलिटी है, तो फिर सुप्रीम किसको समझा जाए, कहाँ किस इंसाफ के लिए या फिर मामलात की बेहतरी के लिए, व्हाट इज़ द परमानेंट सोल्यूशन? देखिए, पार्लियामेंट जो है वो एक अदारा है जो कि कानून बनाता है, और उसका वो हक अपनी जगह पर है। उसमें कुछ रुकावटें हैं, मसलन अगर कोई आइन में अमेंडमेंट होती है तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी होती है, लेकिन उसको वो राइट है पार्लियामेंट को। आप जिस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो वो कहते हैं कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो एक मर्द को औरत डिक्लेयर कर दे और औरत को मर्द डिक्लेयर कर दे, यहाँ तक कि उसको पावर होती है। तो पार्लियामेंट को इतनी पावर्स होती हैं, और जुडिशरी की बात की जरूरत तो सिर्फ वहाँ आती है जहाँ के किसी कानून की तशरीह की जरूरत पड़ती है, और कोई बात नहीं है। और बदकिस्मती से आजकल हो ये रहा है, क्योंकि इतने केसेस कोर्ट में जाते हैं सियासी अंदाज के, कि जुडिशरी बिला वजह इसमें इन्वॉल्व हो गई है, और जुडिशरी जो है अब बातें भी जजेस ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, जो कि हमारे ज़माने में तो कोई बात नहीं करता ही नहीं था, आप सिर्फ सुनते थे और फैसला कर देते थे। लेकिन आजकल हमारे जजेस भी बड़े शौकीन हो गए हैं बातचीत करने के, और इसकी वजह से और वो इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, और फिर उनका अपना भी जो कैरेक्टर है उसको उसके मुतालिक भी सवाल उठते हैं। सही, थैंक यू सो मच जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इकबाल खान साहब भी मौजूद हैं, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। इकबाल साहब, माजरत के साथ पहले मैं आपका तारुफ नहीं करवा सका, जस्टिस साहब से बात हो रही थी, बातें आपने सुनी है, तो जिस तरह से तहरीक इंसाफ के साथ मामलात हुए हैं, ये आज हमने देखा कि शुएब शाहीन साहब का जुडिशल रिमांड, बाकी जैन कुरेशी साहब, शेर अफजल मरवत साहब और दीगर जो क्यादत है उनके रिमांड भी मंजूर हुए, बैरिस्टर गौर साहब को छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, तो हिकमत अमली क्या है तहरीक इंसाफ की आज पिशावर में के सीएम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और मामलात पर बात भी हुई, इस हवाले से आपकी क्या राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि अगर आप देखें तो 2 घंटे जलसा लेट हुआ है, जिसको बहाना बना के पार्लियामेंट की वकार भी मंजूर हुई, तहरीक इंसाफ की कायदीन और MNAs भी गिरफ्तार हुए, लेकिन किसी ने इनसे ये नहीं पूछा कि जो आईन कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, 1 साल तक ये डिले करते रहें, इलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह चीफ जस्टिस का 14 मई का 2 सूबों में इलेक्शन का फैसला था, इससे आवाम एजुकेट होते हैं कि असेंबली का पोजीशन क्या है और गवर्नमेंट जो उनका मैंडेट है वो कौन चला रहा है, पीछे कौन खड़ा है, ड्राइविंग सीट पे कौन है, और ये जो चलाने वाले इनकी हैसियत ही क्या है। लिहाजा मैं तो कुल आम कहता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, ये प्लांटेड हुकूमत है, ये फारम 47 से आने वाली हुकूमत है। आज बड़ा रोला पड़ा हुआ है कि अली अमीन गंडापुर जो है ना 9 घंटे के लिए गायब हो गए, किसको मिलने गए थे? तो हमें जो इत्तला मिली तो वो कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट ने ही उसको बुलाया था, और फिर उसके फ़ोन बंद हुई, रात देर तक हम इंतज़ार करते रहे। लेकिन इशू ये नहीं है कि अली अमीन गंडापुर जितने घंटे कहाँ थे, मसला तो ये है कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। खान जेल में है, पार्लियामेंट यरगमाल है, आईन और कानून की वायलेशन हो रही। मैं तो समझता हूँ कि सिविल मार्शल आए हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया था। हमें जो इतला है तो वो तो ये है कि उन्होंने मुज़ाकरात या उनके साथ बात करने या KP और मरकज़ के जो मामला थे उस पर शायद उनको बुलाया हो, लेकिन ये पक्की बात है कि उनको जहाँ पर भी रखा है पूरे आवाम को दर्द हुआ है, किसी भी ने भी, वो एक चीफ मिनिस्टर है, अगर चीफ मिनिस्टर के तो कुछ तो 9 घंटे जो गायब रखा है तो वो तो गुफ्तगू के लिए होगा ना, तो इतने उसके गार्ड के मोबाइल बंद, उसके साथ जाने वाले की मोबाइल बंद, ये तो बहुत तकलीफ दे रहा थी। और मैं समझता हूँ कि हम पे जो गुजरी है वो अल्लाह ही जानता है, लेकिन इस मुल्क के साथ जो हो रहा है हम पे गुजरे, खान साहब जेल में है हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन जो मुल्क की वकार मजरूह हो रहा है, मुल्क का वकार है पहले तो क्या, इस मुल्क का तो इज्जत है, वकार है, इसकी
ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे आज़ाद मुल्क है, इसकी तरफ आंकी है मुसलमानों की, देखते हैं कि ये इससे जो आखिरी तहरीक निकलेगी इसी मुल्क से निकलेगी, ये तो इस्लाम का कल्ला समझते हैं। अगर इनकी औकात नहीं है और यहाँ पे लोग बैठे, यहाँ पे उनकी अजारादारी है, पार्लियामेंट मफलूज है, यहाँ पे जो वो पारम 47 के ज़रिए लोगों को लाते हैं अपने मकासद पूरे करने के लिए, तो फिर क्या क्यों ये ड्रामे करते हैं, मुल्क का पैसा क्यों खर्च करते हैं? का बड़ा नाम होता तो आप सारे जो पॉलिटिकल लोग हैं सोचते हैं कि हम इकट्ठे हो जाएं सारी पार्टियां और हम पहले तो इसराइल को देखें ना कि वो क्या कर रहा है मुसलमानों के साथ। देखो इसराइल तो वो एक अलहदा इशू है, तो उस पर हमारा मौके बड़ा क्लियर है। खान जिस अंदाज में इस मुल्क को का वज़ीर आज़म रहा है, उन्होंने जो इसराइल को तस्लीम न करने का जो उनको सज़ा मिली वो सब जानते हैं, लेकिन वो अलहदा इशू है। अब मल्क की बात हो तो मल्क की बात करें, क्योंकि कल रात और कल दिन जो हुआ है मैं नहीं समझता कि मुल्क में अभी पार्लियामेंट की तरफ कोई देखेगा, कौमी असम्बली की तरफ देखेगा। यहाँ मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये सब कुछ जमहूरियत भी ख़त्म हो गई है यहाँ पे। असल में जब आप सब समझते हैं कि पहले नहीं थी, तो फिर ये जमहूरियत को ये एक सीढ़ी बना के मुल्क को क्यों लूटा जा रहा है, क्यों ये सब खामोश है? हमें तो किसी कोई गिला नहीं है, ना चाहते हुए भी सनतकार, अहम कुर्सी पे बैठा हुआ सरकारी मुलाजिम या करखानादार, न चाहते हुए भी इमरान खान की मुखालिफत पर मजबूर है और ये सब जानते हैं। हमें तो किसी से गिला नहीं है, लेकिन मुल्क की तबाही का गिला तो हम कर सकते हैं कि अगर आप सब समझते हैं कि ये न पहले जमहूरियत था, न इस मुल्क का वक़ार था, न असम्बली के औकात थे, तो फिर जब आप समझते हैं कि ये सब कुछ जो कर रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, इकबाल खान साहब कौन रोकेगा? तो मैं तो समझता हूँ कि कल का वाकया पे सारे पार्टियों तो को फिर सारे पार्टियों पे इकट्ठा तो होना चाहिए, इस पे वो फिर वाकया बन जाएगा, आगे फिर कुछ जलसा होगा। तो देखें प्रॉब्लम जो है ना कि जमहूरियत तो है नहीं, इलेक्शन फेयर होते नहीं हैं, और जब इलेक्शन फेयर ना हो तो जमहूरियत आप कैसे कह सकते हैं? इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए वो भी बिल्कुल 80% नहीं, 71 से लेके इनको को वो इलेक्शन का दिखा है ना वो जी, जो 70 से आज तक साफ और शफाफ नहीं हुए। मैं पॉलिटिकल लोगों पहले, को आप पहले मैं जी आप कंटिन्यू करें खान साहब। हाँ, और जब इलेक्शन ही फेयर ना हो तो फिर वो क्या की जमहूरियत? देखो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि देखो मैं क्लिप आपको दिखा दूं नाज़रीन, 70 से आज तक जो साफ और शफाफ इंतखाबात ना होने का मामला है, और खान साहब की बड़ी दीगर इंपॉर्टेंट रहनुमाओं से इस हवाले से गुफ्तगू हुई और ये बड़ी क्लियर कट सी एक बात है, और जो गुज़िश्ते इंतखाबात हुए वो भी ढका छुपा मामला नहीं था। शेख उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शेख साहब आप भी सुनिएगा, मुलाहिज़ा कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हम आज तक पाकिस्तान के अवाम को एक फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं दे पाए, ये सबक हासिल कर लें। आप ये कहते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये मैं गलत कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, ठीक है। तो फिर अब अगला इलेक्शन ये कौम तहैया कर ले, नेशनल असम्बली ही तहैया कर ले कि हम इस मुल्क के इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे, इसका निज़ाम बना लें। बहुत आसानी से आप एक बेहतरीन इलेक्शन का निज़ाम मुल्क को दे सकते हैं, जिस पर उंगली नहीं उठा पाएगा, तो आप क्यों नहीं करते? तो इसका मकसद है ना पीपल पार्टी ने वो निज़ाम दिया, ना नून लीग ने दिया, ना तारीख इंसाफ ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आगे किस पर? आज भी वक्त है, ये कर लें, इस पर फैसला कर लें। मैं आपको इस्लाह बता दूं, है क्या क्या उनकी तो कोई कोई ताल्लुक आज के पाकिस्तान से नहीं है। हाँ। उनका कोई ताल्लुक इस मुल्क में महंगाई से नहीं है, वो होती रहेंगी, दो साल पड़े हुए कर लें यार, आप खुद कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, कर लें। बात यह है मुल्क के मसाइल की बात कौन करेगा, मईशत कहाँ जा रही है? नहीं तो वो एक टॉक शुरू हुई है उस पर, मेरे भाई टॉक खत्म हो गई है, असेंबली में बिल नया शुरू, बस बात खत्म हो गई। ये असेंबली के मामला हैं, ये टॉक शोज के मामला नहीं है। जिस बात का आप वज़ीरों को इल्म ना हो उस पर बात नहीं करनी चाहिए, ये इलेक्टोरल असलाहत करनी है। असेंबली में हुकूमत अपना जेन ले आए, क्योंकि 2017 में असलाहत हो चुकी हैं, 2017 में 15 में तमाम जमातें बैठी थीं, दो साल कार्रवाई होती रही, 100 से ज़ायद मीटिंग्स हुई, जॉइंट
एतमाद के साथ इलेक्टोरल इस्लाहात हुई और फिर 2018 का इलेक्शन हुआ, चोरी हो गया। तो इलेक्शन चोरी रोकने का सिर्फ एक रास्ता है कि मुल्क को आईन के मुताबिक चलाएं, ये सारी बात है। अगर आप ये नहीं कर सकेंगे, आप जो मर्जी इस्लाहात करना चाहते हैं कर लें, कोई बात नहीं है, बिल रहे हैं असेंबली में, बात आगे चलेगी। एक बुनियाद डाली जाए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, और जो कहते हैं जी कि 71 में जो इलेक्शन हुए थे वो एक ही दफ़ा हुए और वो बड़े फेयर थे, वो भी फेयर नहीं थे। पैसे मुख्तलिफ जमातों को भी दिए गए, मुख्तलिफ लोगों को भी दिए गए थे उस वक्त भी। रियासत में जो अदारे मैटर करते हैं उनसे अपील होनी चाहिए कि एक दफ़ा इलेक्शन फेयर एंड फ्री करा दें। वो एक इब्तिदा होगी बहुत सारी इस्लाहात की और पाकिस्तान को सही ट्रैक पर रखने की। तो ये मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के मोहसिन होंगे जो इस सिलसिले में अपना रोल अदा करें। हाँ, तो बात इस्लाहात की नहीं है, बात कानून आज भी मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आज भी मौजूद है। बात यह है कि जो सहूलतकार है ना, वो सबमिसिव हों कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सबमिसिव हों टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर तीनों पार्टियां ये तहैया कर लें कि हमने कोई सहूलतकारी नहीं बर्दाश्त करनी, तो सहूलतकार आएंगे ही नहीं। हम जब सहूलतकारों का हम सहारा लेते हैं तो सहूलतकार आते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इसमें कोई शक नहीं। जो पिछले इलेक्शन हुए हैं इससे पहले 18 से पहले, वो उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, उस पर भी बात होती है कि वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं थे। लेकिन ये इलेक्शन की जो डिग्री है वो कहीं ज्यादा थी, मेरा जो ख्याल है, क्योंकि मैंने सारे इलेक्शन लड़े हैं। मैं नहीं कहता पिछले, वो शायद साहब ने ठीक कहा है कि पिछले इलेक्शन चाहे 90 का हो या उसके बाद के इलेक्शन, मैंने खुद कंटेस्ट किए हैं, वो उस पर क्वेश्चन मार्क भी हैं और उंगलियां भी उठी हैं, और मैं ट्रांसपेरेंट उनको भी नहीं कहता। मौजूदा हुकूमत ने भी नहीं पॉलिसियों को आगे चलाया है जो गुज़श्ता हुकूमतों की थी। इख्तलाफ तो सिर्फ इख्तदार पर है। अब ये बहुत अच्छा सरकारी मौका मिला था हमारी सियासी जमातों का कि जब ये इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बन गई थी और 33 मेंबर थे इसके अंदर तमाम सियासी पार्टियों के, तो उन्होंने ये सारी खामियां जो सेनेट की खामियां थी और बेशुमार खामियां थी, अंदर इंतखाबात की खामियां थी, उसके अजारे के लिए, शफाफ इंतखाबात कराने के लिए इन्होंने कोई वाजा हिकमत आखिर तैयार नहीं की। हमारा जो झगड़ा होता है ना इलेक्शन पे, 80% जो शिकायतें हैं वो प्री पोल रिगिंग से मुतालिक हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती है। कि इलेक्शन फ्री नहीं होते, देखिए असल में इलेक्शन से पहले जो इनकी जो लॉबिंग होती है और वो पार्टियों जो आवाम में उसकी कोई मकबूलियत नहीं होती, जमहूरियत तो नहीं कह सकते ना। जब आवाम में उसकी मकबूलियत नहीं होती तो इनका सहारा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब भी इलेक्शन किया है, दो दफा MNA रहे और आप इंडिपेंडेंट रहे होंगे, लेकिन इमरान खान के दौर के इलेक्शन भी फेयर फ्री नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो फेयर इलेक्शन था और हमने जहाँ से किया है और जिस जिसने इलेक्शन लड़ा है वहाँ पे अवाम ने उसको वोट दिया है। ये तो बाद में ये लोग जो है ना यही कहते रहे कि हमने इसको सपोर्ट किया, वरना ऐसा नहीं था। ये हमने साबित कर दिया कि 16 सीटें हमने उनकी मुखालिफत के बावजूद भी कि बाई इलेक्शन में पंजाब में जीती, और जब फाटा में बाई इलेक्शन हुआ इमरान खान एक सीट पर खड़ा था, वो सारी सीटें वो जीत के उन्होंने देखा है। जस्टिस साहब क्लिप देखा होगा आज, ये जो इसको हम जमहूरियत कह सकते हैं जो कोई इलेक्शन लड़ने वाले ही नहीं मानते कि फेयर होते हैं। देखिए आपको एक चीज़ आप समझ लें कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हमारे सियासतदान जो हैं वो उनमें ऑनेस्टी होगी लेकिन इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है, और वो हर एक हमारे सियासतदान जो वो चाहता है कि जो इलेक्शन के रिजल्ट्स है उसके फेवर में हो, उसके लिए वो हर किस्म की हरकतें करने के लिए तैयार है। वो ये अपनी डिफीट और अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करता, जिस तरह दूसरे मुल्क में होता है कि अगर कोई आदमी हार जाता है तो जो जीत जाता है उसको जाकर मुबारकबाद देता है। यहाँ कोई ऐसी हरकत नहीं करता, तो हमारे लोग एसेंशली जो है उनमें वो चीज़ अभी तक नहीं आई है। अब जो 71 इलेक्शन की बात की जाती है, जो यहया खान ने जो कराए थे वो एक इलेक्शन थे जो कि समझे जाते थे कि वो सही हुए, लेकिन अब चूंकि जो बांग्लादेश में हुआ है उसके बाद ये जाहिर होता है कि शायद वो भी सही नहीं थे, जो मुझे वो रहमान को 100% जो वोटिंग हुई थी। तो
क्योंकि आप देखते हैं कि आप क्या हालत है बांग्लादेश में, तो कोई भी इलेक्शन यहाँ सही नहीं होते। इलेक्शन के लिए मेरे ख्याल में बेहतरीन तरीका यही है हमारे मुल्क में कि चूंकि अब तो आईटी का ज़माना है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ईजाद किया जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए और उसके लिहाज से वोटिंग की जाए। नहीं, ये तो इमरान खान ने तो ट्राई की थी इसकी। जी जी, मेरे ख्याल में वो बेहतरीन तरीका वही है, क्योंकि अगर आप लोगों पर छोड़ देंगे जो वो और इस पर छोड़ देंगे जो जो वोटिंग काउंट करते हैं, तो कभी सही इलेक्शन हमारे मुल्क में हो ही नहीं सकते किसी तरीके से, क्योंकि एसेंशियली हमारे लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एक सिस्टम है जहां पे कुछ बेहतरी आ सकती है, वरना और कोई तरीका तो मुझे नजर नहीं आता। सही, हम सब एक ब्रेक का वक्त है, नाज़रीन ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन आप सुन रहे हैं। अभी ब्रेक से पहले जो हमने क्लिप दिखाया जिसमें बार बार इस बात का यादा किया गया, इस बात की एक बार फिर से तशहीर की गई कि 70 से लेके अब तक मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, और ये अलमिया है हमारे मुल्क का, इसकी रीजंस क्या हैं और इस डिलेमा से हमने परमानेंटली जान छुड़वानी कैसे है, इस हवाले से गुफ्तगू जारी है। खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकबाल आफरीदी साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं। जी इकबाल साहब, क्लिप आपने देखा, इस पर आप बात करना चाह रहे थे, कंटिन्यू कीजिए सर। जी, पहली बात तो ये है कि हम जो समझते थे कि जो चोर दरवाजे से आने वाले जो लोग हैं उन्होंने जो तरीके अख्तियार किए हैं उसको तो हमने रोकने की कोशिश की, उसके लिए हमने कानून साजी की और इलेक्ट्रॉनिक वोट मशीन जो उससे हम रोक सकते थे इस दो नंबर तरीके से पार्लियामेंट में आने का, हमने कानून साजी की जो बाद में इन लोगों की हुकूमत आई उसको ख़त्म कर दिए। लिहाजा 2018 का जो इलेक्शन था वो भी फेयर था, हमने बिल्कुल आवाम के वोट के ज़रिए, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, जब हमारी लड़ाई शुरू हो गई, एक मिनट अगर मुझे मौका दिया जाए तो बाई इलेक्शन हुआ 17 सीटों पे पंजाब पे, और उसमें तमाम 13 पार्टियाँ बशमूल स्टेब्लिशमेंट और अमेरिका उनके खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ा और वहाँ पे 17 में से 16 सीट हम जीते। फिर नौ कौमी असम्बली के इलेक्शन सीट पे इलेक्शन हुआ, उसमें खान साहब खड़े थे और वही वक्त था, 3 साल वक्फा था बीच में से, और 9 में से 8 सीट हम जीते 13 पार्टियों और स्टेब्लिशमेंट और अमेरिका के सपोर्ट के साथ के उन्होंने जितना पैसा लगाया, तो खान ने 9 सीटों में से 8 सीटों पे कामयाबी हासिल की। अगर हम स्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आते तो 16 सीट क्यों नहीं हम क्यों जीते और 9 में से 8 क्यों जीते? 16 ही सुना है स्टेब्लिशमेंट ने जितवाई थी। नहीं जी, ये कैसे, उनके खिलाफ तो हम इलेक्शन लड़ रहे थे, कोई गुफ्तगू वहाँ पे तो आदम एतमाद के दान कहते हैं कोई ना कोई गुफ्तगू। देखो ये ड्रामे तो होते रहे हैं, वो हम वो लोग हैं जो रियल इस मुल्क को बनाना चाहते हैं, आईनी व कानूनी हुक्मरानी देना चाहते हैं, इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के हम पैरोकार हैं। ये जो बाद में बातें हैं हमारी पीछे कहने वाली बातें, हमारे किरदार और अवाम में मकबूलियत ख़राब करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, वरना खान साहब इस मौजूदा सियासी जो माहौल है इसमें वाहिद बंदा है कि वह हकीकी आज़ादी के लिए कड़ा है और वह अवाम के लिए जेल में है। कौमी असम्बली में जब इसका फोटो आता है तो कैमरा हटाया जाता है, खान का जो नाम लिया जाता है तो कैमरा हटाया जाता है। मैं तो बरमुल्ला कहता हूँ कि खान सब पे बारी है और इस वक्त 25 करोड़ का आवाम का नुमाइंदा है, ना हम जेली वोट से असम्बली में आना चाहते। खान साहब, मेरा सवाल यह है कि ग्राउंड रियलिटी को भी मद्देनजर रखना है ना। अब खान साहब ने पहले बात कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट से, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे, आज वो दरवाज़ा भी बंद हो गया, तो मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए हालात को किस तरह से आप अपने मुफाद में लेके जाएंगे, हिकमत अमली क्या होगी? अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तो आपके साथ जो रात को मामलात हुए और ये बड़े अरसे से कंटिन्यूड चल रहा है सिलसिला, आगे भी चलेगा। देखिए असल चीज़ ये है कि खान जो भी बात करता है वो मुल्क के लिए करता है, वो आवाम के लिए कहता है। उन्होंने जो स्टेब्लिशमेंट की बात की उसके साथ बहुत सारी बातें और भी रिलेटेड हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन लोगों ने एक ही बात उनको उठाई है और वही बात सब कह रहे हैं। हालांकि आज उन्होंने बरमुल्ला कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बाकी रही इन लोगों की जिम्मेवारी, आप देखिए फाटा में जो अभी मिलिटेंट फिर रहे हैं, वहाँ पे जो बत्ते ले रहे हैं, वहाँ पे जो अस्करियत पसंद जो है ना हर जगह पे लॉन्चर और ये मिसाइल फेर रहे हैं, तो क्या
इस पेंसिंग के बाद इनकी जिम्मेदारी नहीं कि उसको रोके, तो जो जिसकी जिम्मेदारी हो तो पूरी नहीं कर सकते। और यहाँ लगी है पार्लियामेंट पे कब्ज़ा, यरगमाली, और यहाँ पे मेनेस को उठाना, यहाँ पे खान को अरेस्ट करना, ये सब कुछ, ये ड्रामे अभी मज़ीद नहीं चलेंगे। ये मुल्क पाकिस्तानियों का है, ये कादी आज़म की और उनकी रफाका और उनके साथियों ने वह उस वक्त की आज़ाद किया हुआ मुल्क है। कैम तो फौज की वजह से है जी मुल्क। जी बिल्कुल, फौज तो सारे ये जो वर्दी पहने वाले जो जितने भी बॉर्डर पे खड़े हैं और हमारे तहफ़ के लिए मुल्क की तहफ़, उसको तो हम भी सलाम पेश करते हैं। हमारे अपने लोग खुद ऐसे हालात पैदा करते हैं और खुद जाके बुलाते हैं। ये देखो, ये मुल्क हम सबका है, हम इस मुल्क के लिए जान और माल की कुर्बानियां देते हैं, हम भी देते हैं। भी एस्टेब्लिशमेंट लाई थी। नहीं, ये गलत बात है, और यही तो अलमिया है कि जो रियल लीडरशिप है, जो मुल्क के लिए और आवाम के लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान करने पे तुला है। मुझे ये बताए कोई कि इमरान खान की जो असासे है ये किसके लिए वक़फ है? अगर इमरान खान करप्शन करता तो क्या पाकिस्तान के लिए वो कर रहा है? देखिए, इस तरह है कि खान ने अपने असासे इस मुल्क के लिए वक़फ कर दी है। खान अगर खुद नहीं करता था तो उस बंदे को उन्होंने अरेस्ट किया कि वो अपने सारे असासे इस मुल्क के लिए छोड़े हैं, वो वक़फ की है। अफसोस की बात है, समझने की बात है कि इस मुल्क को जो यरगमाल बना चुके हैं उसके लिए सब सलामें करते हैं, उनके जो है ना वो मिन्नतें करते हैं, उसके लिए कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन जो मुल्क के लिए लगे हैं उनके खिलाफ सब बातें करते हैं, उनको गंदा करने के लिए हर बात सामने लाए जाते हैं। मैंने तो पहले कह दिया कि हमारा किसी से गिला नहीं है, क्योंकि वो मजबूर है, उनका कारोबार तबाह हो जाएगा, उनकी कुर्सी चली जाएगी, उनके बेटे उठाए जाएंगे, ये 6 जज जो मजबूर है, हम तो छोड़े, हम तो गरीब लोग हैं, हमारा क्या औकात है? रिहा कैसे करवाएंगे? 15 से 20 दिन का कहा गया था अली मीन गंडापुर साहब ने, आज भी कौमी असम्बली में कहा कि 2 दिन गुजर गए हैं, 13 दिन रह गए हैं, उस पर बड़ी बात हो रही है, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। देखिए, एक बात मैं खुल के कहता हूँ कि हमने शुरू दिन से आइन व कानून की हुक्मरानी के लिए जो तहरीक शुरू की है वो कभी भी हम कानून की वायलेशन नहीं करेंगे। हमने जो हम इलेक्शन में हमसे बैठ छीना गया इंतखाबी निशान, हमने बैंगन, टमाटर, घड़ियाल, हर चीज़ से इलेक्शन लड़ा, इसलिए कि हम कानून को फॉलो करते हैं, हमने हर मेरी वो बात मानी है, हम कानूनी रास्ते से, हम आईनी वो कानूनी तहरीक से इंशाल्लाह खान को रिहा करेंगे, और एक वक्त आएगा कि आवाम सड़कों पे होंगे और ये सारी अरगमाल होंगे। की तकरीर आईनी और कानूनी थी आपके ख्याल में? जिस तरह से उन्होंने प्रोवोक किया वो आईन और कानून के मुताबिक था? देखो, मैं सेकंड करता हूँ, हमारे वज़ीर आला है, उन्होंने जो बात भी कही है हम उसके पीछे खड़े हैं, 25 करोड़ आवाम उसके पीछे खड़े हैं, और इस तरह नहीं है कि वज़ीर आला के हम कोई बात की मुखालिफत करें। करप्शन के बारे से भी खान साहब जिक्र कर रहे थे, वो क्लिप पहले देख ले, फिर हम बोस्तान साहब भी हमारे साथ काफ़ी देर से मौजूद है, माजर साहब उनकी तरफ भी जाएंगे। नासिर ने मुलाहिजा कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और करप्शन मैन तो खुद खान साहब को 4 दिसंबर को मिला था, और मैंने बताया जी कि निचली सतह पे बहुत ज़्यादा करप्शन, मैं कह रहा हूँ मैंने खुद खान साहब को ज़ाती तौर पे 4 दिसंबर को मिला हूँ, मैंने उनको कहा और उन्होंने मुझे कहा DC AC नीचे, मैं कहा जी DC क्या, नीचे क्या, हर करप्शन बढ़ गई है 47 से लेकर अब तक इतनी करप्शन है जी, तो अब इस दौर में, और उनको ने उस पर नोट भी कराया और उन्होंने एक्शन भी लेने के लिए, मैं तो उनको खुद बताया। चौधरी मैंने चौधरी पंजाब से काफी, मैंने कहा मुबारक हो आपको, आप बन तो गए हैं, लेकिन एक काम ना कीजिएगा आप, कारोबार ना कीजिएगा, उसके ऊपर चौधरी हिजाज जो है एकदम खड़े हो गए, उन्होंने कहा भी क्यों ना करें हम कारोबारी, हमारा हक है, हमारा इतना बेरोजगार के दौर में नुकसान हुआ है, उसको हमने बुरा तो कर रहे हैं। जनरल जिलानी ने मियां नवाज शरीफ को बुलाया और हम भी वहाँ मौजूद थे, कुछ और लोग भी थे, उन्होंने कहा कि नवाज़ शॉर्टली आई हैव डिस्कस्ड इट विद द प्रेसिडेंट एंड आल्सो विद द प्राइम मिनिस्टर, जुनेद साहब प्राइम मिनिस्टर थे, एंड दे एग्री टू दिस के आई एम गोइंग टू नेम यू एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, फिर असेंबली का सेशन बुला लें और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाद में ले लें, आई हैव नो एडवाइस टू ऑफर टू यू, you have been my minister for 4 years, you know everything, I have only one advice,
वेयर योर बिजनेस स्टैंड्स टुडे, पुट ए फुल स्टॉप ओवर देयर, नाउ यू आर गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर। इसके बाद बिजनेस में किसी किस्म की कोई एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। आई थिंक इससे अच्छी एडवाइस नहीं हो सकती थी। मैं समझता हूँ जी कि ये बात दुरुस्त है और इसकी एक बड़ी आला मिसाल है कि जब बेस्तमीस और महाजर और अंसार के दरमियान आर्गूमेंट्स के बाद फैसला आखिर मुतफ़िका तौर पर ये हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा बनाया जाए, तो वो शाम को जब फारो हुए तो उन्होंने कहा कि जी कल मैं कपड़े का कारोबार करते, तो वो थान लेकर वो चले, तो किसी ने कहा जी ये आप क्या करने लगे हैं, तो ख़ास तौर पर हज़रत उमर फारूक ने, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं करूँगा तो मेरे घर वाले क्या खाएँगे और मैं क्या खाऊँगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम फिर इस तरह करते हैं कि आपको जो आम आदमी की दिन की खराजात हैं, रोज़ी है, इतनी हम आपको बैतुल माल से वो इतना दे दिया करेंगे कि आप इससे बरी ज़िम्मा हो जाएं और कारोबार आप ना करें। अगर आप कपड़ा लेकर जाएंगे तो किसी दूसरे का कपड़ा कौन ख़रीदेगा, तो फिर उन्होंने वो छोड़ दिया। उस वक़्त से ये रवायत चली आ रही है कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट है या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो नहीं करेगा, तजारत नहीं करेगा। वज़ीर आज़म साहब ने गिला किया जी कि मेरी जो करप्शन की मुहिम है उसमें अदालतों के ज़रिए हमें तावन नहीं मिल रहा। आज़म इन फ़ज़ल रब्बी जो है वो करप्शन को भी समझते हैं कि आज़म इन फ़ज़ल रब्बी है। खुद कारोबार भी करेंगे कि आप बंद कर देंगे? कारोबार तो हर आदमी करता है जी। नहीं, हुक्मरान को नहीं करना चाहिए। क्यों, फिक्र कहाँ से खाएगा वो? लूट मार करेगा? नहीं, कुछ तो इनके पास इतना है कि अगर कारोबार करेंगे तो फिर इनको बेनिफिट जाएगा। नहीं, बस खैर अल्लाह ताला अनो का वाकया आप याद करें। वो भी कारोबार करते थे? नहीं, कारोबार तिजारत करते थे। सदीक रज़ी अल्लाह ताला ने कपड़ा लेके जा रहे थे कि भाई आप कपड़ा बेचेंगे तो और किससे कोई लेगा? वो ये नहीं था कि हराम हलाल के हवाले से, नहीं था कि आपका वक्त जो है उधर ज्यादा मसरूफ होगा तो आपको बेतुल माल से कुछ लेना चाहिए। आपका कपड़ा लेंगे, दूसरे का कपड़ा क्यों लेंगे? लेकिन जायज हराम की बात नहीं थी जी, उनका एक बहुत बुलंद मियार था, खिलाफत राशिदा का इतना बुलंद मियार था कि आज के ज़माने में उस मियार की बात करना शायद मुश्किल हो, और ये रखा जाए कि हलाल है या हराम, ये इस दौर में होना चाहिए। जी नाज़रीन, क्लिप आपने देखा जी खान साहब, ये करप्शन के हवाले से तरीके इंसाफ के अपने एमएनएस कहते रहे। इकबाल साहब कुछ बात कर रहे थे जी। इकबाल साहब देखिए, ये आपने देखा होगा कि रजीम चेंज के वक्त 25-26 एमएनएस शॉर्ट कीजिएगा जो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ उस वक्त की अपोजिशन का साथ दिया उसमें मेजर साहब भी थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने रजीम चेंज करने में अपना किरदार अदा किया। ये तो इल्ज़ाम लगाएंगे, ये तो वो लोग थे जो 25-25 करोड़ लेके वहाँ पे बिके थे, ये वो लोग उन लोगों में शामिल है। लिहाजा इमरान खान न तो करप्ट है, न ऐसी सियासत करप्शन के लिए करते हैं, इस मल्क के लिए और आवाम के लिए करते हैं। मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ काफ़ी देर से मौजूद है, माजद के साथ बोस्तान साहब, डिस्कशन कुछ ऐसी जा रही थी। इकबाल साहब मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमा, माशी अहवाल कुछ बताइएगा सर, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है ब्रदरम? बोस्तान साहब खैरियत है? बस वो पॉलिटिकल तो मायूसी है, इकॉनमी क्या कहती है, उधर भी मायूसी है कि कुछ बेहतरी आ रही है? इकॉनमी माशाल्लाह पटरी पे आ गई है, कोई मायूसी नहीं है, मायूसी फैलाई जा रही है। और पाकिस्तान देखो ना, आपके रिजर्व 2 अरब डॉलर साल में बढ़ गए, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, वर्कर इंडस्ट बढ़ गई, आपका GDP बढ़ रहा है, आपकी एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, हर चीज तो प्लस आ रही है। तो हमें खाम खा कौम को उम्मीद अल्लाह से रखनी चाहिए, उम्मीद से भी नहीं है क्या, ना उम्मीदी इस्लाम में कुफर है, तो ना उम्मीद नहीं होना चाहिए हम लोग इंशाल्लाह। नहीं कैसे, अभी कुछ बेहतरी शुरू हुई है GDP पे तो सुने बड़े। देखो ना, डेटा मूडीज ने पाकिस्तान का रेटिंग बेहतर की है, आपके रिजर्व बढ़ चुके हैं, आपके जो है वर्कर इंडेक्स बढ़ चुकी है, स्टॉक आपकी मुसलसल बढ़ रही है, तो ये सारे इंडिकेटर तो पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव तो नहीं जा रहे ना इस वक्त। एक चीज, हाँ, IMF का जो प्रोग्राम रुका पड़ा है वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त उससे वो बड़ी मायूसी फैल रही है, और उसने सितंबर में होना था, अब 18 सितंबर तक उसको अभी शामिल नहीं किया, और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो
सितंबर के आखिरी हफ्ते में ये बोर्ड से मंजूरी कर ले। और जैसे डार साहब ने कहा है कि IMF तो 22 में पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराना चाहता था और पाकिस्तान एटमी पाकिस्तान इनकी आंखों में खटक सियासतदानों को आपस में मिल बैठ के पाकिस्तान को बचाना है तब भी पाकिस्तान को मुश्किल से हम निकाल सकते हैं। मिनी सतह पे तो काफी हमें डार्क पिक्चर दिखाई दे रही है, हुकूमत मुजाकरात नहीं कर रही, अदम इस्तेहकाम है सियासी। जब तक ये मामला हल नहीं होगा तो मईशत का संभलना और बेहतर होना तो नामुमकिन नजर आता है। नहीं, कदर मेहनत मेहनत करें, ये गवर्नमेंट का कोशिश है, ये IMF का अगर उनको मिल जाता है तो सितंबर में हो जाता है तो मामला बेहतर 15 के बाद बेहतर होने के इम्कान है। ये पॉलिटिकल लोगों को तो आपस में खान साहब जो आपस में मिलना तो बड़ा मुश्किल है ना, वो तो सोचना ही नहीं चाहिए। क्यों जी? आप देखिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये लोग जा रहे हैं, पैसा तो है नहीं, और ये लोग जो मुनाफे वाले जो इदारे हैं वो बेच रहे, जो नुकसान वाले उसको छोड़ रहे, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा इस सोच के साथ। इकबाल साहब, बुस्तान साहब ने रिज्वाइन किया, बुस्तान साहब आप बात कर रहे थे, सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल, आपकी वॉइस चली गई। मैं आपसे ये सवाल कर रहा था, मैं एक बार सवाल रिपीट कर दूं। मैं ये कह रहा था कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं पॉजिटिव, बड़े इशारे बताए मूडीज़ की रेटिंग और IMF के मामलात, और लेकिन जो ज़मीनी सतह पे आके देखा जाए, आम आदमी तो महंगाई का रोना उसी इंटेंसिटी के साथ रो रहा है, और हुकूमत जो आप मिल बैठने की बात कर रहे हैं वो भी बहुत इंतहाई अदम इस्तेहकाम में दिखाई देता है, तो ये कैसे बात रिलेट होती है? सबसे पहले तो माशी इस्तेहकाम भी होता है जब सियासी इस्तेहकाम हो, तो इस चीज़ को तो कोई दो राय नहीं है। जब तक हमारे सियासतदान लड़ाई करेंगे, रहनमाई नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ, जो फिगर बता रहे हैं, पाकिस्तान का सरमाया बड़ी तादाद में दुनिया में सबसे ज्यादा जो इस वक्त दुबई में इन्वेस्टमेंट हो रही है, पाकिस्तान नंबर वन पे आ गया। पिछले 6 महीने में 8,000 कंपनियां पाकिस्तान की रजिस्टर्ड हुई हैं, पूरी दुनिया में नंबर वन पे है इस वक्त। इंडिया हमसे कई गुना बड़ा है, उसकी 7,000 हुई है, चाइना की 4,000 हुई है। तो हमारा इसके मतलब कितना कैपिटल पहले कैपिटल यहाँ से ड्रेन हो रहा है, और पाकिस्तान के लिए अगर सरमादार ही चला गया और पीछे जो है पहले ब्रेन ड्रेन हो गया, फिर कैपिटल ड्रेन हो गया, तो पाकिस्तान में क्या बचेगा? तो हमें होश के नाखून लेना चाहिए। पाकिस्तान को देखो, IMF जो है तिकनी के नाच में जा रहा है, उसने $13 खरब का टारगेट दिया जो कि गैर हकीकी है। पहले 2 महीने से आप देखें 50 अरब हर महीने आपको शार्ट फॉल चल रहा है, तो ये किस तरह पाकिस्तान को मतलब निकलाने के लिए हमें खुद ही आगे होना होगा। और पाकिस्तान जितने हमारे सियासी रहनुमा है उनसे मैं दरख्वास्त पूरी कौम की तरफ से करता हूँ, खुदा रहा पाकिस्तान है तो हम सब है, पाकिस्तान ही रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमें पाकिस्तान को बचाने के लिए सारे अपने अन्ना को कुर्बान कर रहे हैं, और ये जिस वक्त सियासी इस्तेकाम ही मुल्क को बचा सकते हैं, तो मैं इसके लिए और मैं क्या कहूँ। हमारे से वो ज्यादा उनका वॉल्यूम है, वो हमसे ज्यादा समझते हैं, उनको पाकिस्तान के हालात का भी पता है। और पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, देखो पाकिस्तान के कोई एक्सटर्नल लोन इतने बड़े नहीं है कि हमें फिक्रमंद होने चाहिए। हमारे GDP का एक्सटर्नल लोन जो है 39% है, अमेरिका जो इतना बड़ा मुल्क है उसके 95% है। तो हमारा फ्री कस जो कर्जा है वो $516 है, उनका कर्जा $1,00,000 है। कर्जे हर मुल्क लेते हैं, हर मुल्क अपनी इकानमी कर्जों से चलाता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि IMF अपने शराइत ऐसी रख दी है, 13 खरब का उन्होंने रेवेन्यू टारगेट रखे है, उसके अलावा $12 अरब उन्होंने कहा जी आप रोल ओवर कराएं, $2 अरब का कमर्शियल लोन लें। तो ये ऐसी शराइत हैं जो पाकिस्तान को जानबूझ के पाकिस्तान पे थोपी जा रही हैं, ताकि पाकिस्तान जो है इसमें क्वालिफाइड ना करे। तो लेकिन हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, इस्लामिक ट्रेड कारपोरेशन से और इस्लामिक बैंक से और सऊदीया से हुकूमत ने $2 अरब कमर्शियल लोन की दरख्वास्त कर दी है, और IMF ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर या हमें आप लेटर दें कि आप ये जो ऑल ओवर करा रहे हैं लोन भी आप दे दें, हम आप समर में आखिरी हफ्ते में बोर्ड में ले जाएंगे। सही 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 मलिक बुस्तान साहब, आपकी बातें जो है वो नोट डाउन हो गई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट आप चीज़ें हाईलाइट करते हैं हमेशा, जो खास बात कि मौशी इस्तेहकाम इज डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम, और इसमें कोई शक नहीं है। खान साहब, मैं लास्ट में ये इकबाल अफरीद साहब से पूछना चाहूँगा, इकबाल साहब जो जलसे की डेट दी गई है 21 सितंबर, ये पहले ये तो क्लियर करें 21 है या 22 है, और दूसरा ये भी बताइएगा कि 21 सितंबर का जलसा फाइनलाइज है, जो भी मामला हो रहे हैं। शेख रशीद साहब आज कह रहे थे कि 20 सितंबर तक आसमान के अंदर काफ़ी हमें ऊंच नीच दिखाई देगी पॉलिटिकल जो बातें हैं, तो ये शॉर्ट सा बताइएगा। जी, हमारे पास लिमिटेड। पहली बात तो ये है कि सियासत में हर पे आखिर कोई बात नहीं होती, और 22 तारीख इंशाल्लाह अज़ीज़ लाहौर में जलसा होगा, उसके लिए पूरी तैयारी करके आएंगे, और इंशाल्लाह अज़ीज़
मैं पूरे पाकिस्तान की उन लोगों से अपील भी करता हूँ जो मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान के साथ ही वो निकले और इस हकीकी आज़ादी में हिस्सा डाले। और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा आवाम की निकलने का अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, न खान की रिहाई का और न इस मुल्क में हकीकी आज़ादी दिलाने का। सही। और इकबाल साहब, ये जलसा NOC के साथ था, इजाज़त के साथ था, और हाल क्या हो रहा है तहरीक इंसाफ का? और 21 सितंबर को आप बगैर इजाज़त के जलसा करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह 22 तारीख को आवाम निकलेंगे, सिर्फ हम तकरीरें करेंगे, पूरा पाकिस्तान निकलेगा। चलें चलें नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मैं मशकूर हूँ इकबाल खान साहब का, और बुलिक बुस्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाहिद उस्मानी साहब थे, तमाम मेहमानों का, प्रोग्राम में शिरकत के लिए खान साहब थैंक यू सो मच। नाज़रीन आपकी जानी बढ़ेंगे, हम बहसियत कौम यही एक्सपेक्ट करते हैं, हमेशा यही दुआ करते हैं, प्रोग्राम के अख्ताम पर भी यही बात करते हैं कि आम आदमी को रिलीफ मिले और ये मामला जल्द अज़ जल्द बेहतर हों, सियासी इस्तेहकाम आए ताकि पाकिस्तान खुशहाली की राह पर गामजन हो। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अगले प्रोग्राम में खान साहब के साथ फिर से हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।